भाजपा के साथ आप भीम संसद का विरोध क्यों कर रहे हैं? एसटी एक्ट के तहत प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला था, ये केंद्र सरकार दे दी है, इन्होंने क्यों रोक रखा? आप लोग यही घालमेल करके किसी को बदनाम करने के, यही घालमेल आपने किया था कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के केस में, और आपके भाजपा और आपके बीच में कोई तिगड़ी है कि नहीं, आपके लिए चुटकुला हो सकता है। दबंग जो है दलित की हत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, उनके जमीन को हड़प रहे हैं, और ये कान में तेल डाल के सुनी हुई है। जो 50,000 एट्रोसिटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति निवारण कानून के तहत केसेस पेंडिंग है, आज तक उनका निस्तारण नहीं किया। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जनता दल यू ने भीम संसद बुलाया और दलित समाज के कई हजार नेता वहां पर पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे, समर्थक पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये ऐलान करते हैं और कहते हैं, एक और केंद्र सरकार की इशारा करते हैं कि देख लीजिए दिल्ली वाले, ये भीड़ देख लीजिए, आपको पता हो जाएगा, 2024 में आपको पता चल जाएगा। पर कल के भीम संसद का विरोध करने आजाद समाज पार्टी भी उतरी और भारतीय जनता पार्टी भी उतरी, तो क्या आजाद समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है? इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर है, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष में। क्या बात है, कल आप भी भीम संसद का विरोध कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी विरोध कर रही थी, कोई खिचड़ी तो नहीं पक रहा? देखिए, सबको क्रांतिकारी जय भीम। ये आप लोगों के लिए चुटकुला भले हो कि भीम संसद का हम विरोध कर रहे थे संविधान दिवस के अवसर पे, और आपके भाजपा और आपके बीच में कोई तिगड़ी है कि नहीं, आपके लिए चुटकुला हो सकता, लेकिन हमारे लिए दर्द का विषय है। दर्द का विषय इसलिए है कि हम भीम संसद का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि यही वो सरकार है, यही वो सरकार है कि ऐसे दिवस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर संसद का आयोजन कर रही है, जो 50,000 एट्रोसिटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति निवारण कानून के तहत केसेस पेंडिंग है, आज तक उनका निस्तारण नहीं किया। यही वो सरकार है जो लगातार जो है दबंग जो है दलित की हत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, उनके जमीन को हड़प रहे हैं, और ये कान में तेल डाल के सुनी हुई है। ये वही सरकार है जो टोला सेवकों को कहती है कि हम मानदेय बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं पर काम कर रही आपके आंगनबाड़ी सेविका का और रसोइयों का नहीं बना रही। ये बताइए ना सर, भाजपा के साथ आप भीम संसद का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, भीम संसद का विरोध हम उनको बेनकाब करना चाहते हैं कि ये वही सरकार है कि आज जो है इस दिवस पर हम बहुजनों को, खास करके अनुसूचित जाति के लोगों को, ये ठगने का काम। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा अगर संविधान विरोधी है तो आजाद समाज पार्टी है, क्योंकि बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान दिवस के दिन विरोध दर्ज कर रहा है लोग। नहीं, देखिए, हमने स्पष्ट किया कि हमने विरोध संविधान दिवस का नहीं, भीम संसद का किया, ये क्लियर होना चाहिए। आप लोग यही घालमेल करके किसी को बदनाम करने के, यही घालमेल आपने किया था कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के केस में कि ये देखिए ये पप्पू राय की गाड़ी है और ये बीजेपी के सांसद की गाड़ी है, जबकि वो क्या निकला, झूठ निकला। आप ऐसा काम ना कीजिए। हम बेनकाब करना चाहते थे कि एसटी एक्ट के तहत प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला था, ये केंद्र सरकार दे दी है, इन्होंने क्यों रोक रखा है? तो हम जब तक आज के दिन में, आज जो हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, यानी कि केंद्र सरकार की तारीफ और जनता दल यू का एकदम खुला विरोध। फिर मैं कह रहा हूं कि आप मतलब केंद्र सरकार अच्छा काम की है, एससी एसटी मामले में काम की है केंद्र सरकार। निश्चित तौर पे मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा की बात नहीं हो रही है, मैं बिहार में हूँ, बिहार का प्रवक्ता हूँ, बिहार की स्थितियों को देख रहा हूँ, एससी एसटी के बारे में सोच रहा हूँ। जो हालात है वो बहुत खराब है, चाहे वो केंद्र ने किया हो या राज्य ने। चूंकि कल राज्य का विषय था, हमने राज्य सरकार द्वारा आयोजित, लोग तो कहते हैं कि जनता दल, नहीं नहीं, एक सवाल, अगर ये जो हालात है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बन जाती तो हालात सुधर जाएगी? नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सरकार किसी की भी हो, आप जो अत्याचार निवारण कानून है और जो संसद द्वारा पारित, संविधान द्वारा पारित जो कानून है, उसको आप लागू नहीं करेंगे तब तक हम विरोध करेंगे, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। तो बात सरकार की नहीं है, बात शोषित वंचितों के संवैधानिक अधिकारों की है, हम उसकी बात कर रहे हैं, और आप बार बार उसे चुटकुला बना दे रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि कल जो भीम संसद की गई, टोटल सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया, टोला सेवकों के माध्यम से वीडियो सीओ लगा के और ये भीड़ जुटाई गई। वो अबोध और अनजान लोग क्या समझते हैं कि यही वो सरकार न है जो थाने में जाने पर केस दर्ज नहीं करती है,
भीम आर्मी को जाके वहाँ आंदोलन करना पड़ता है, ये बात आप भूल जाते हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप तो कम से कम अपने ज़मीर पे हाथ रख के बोलिए कि ऐसा होता है कि आप जब थानों में जाते हैं, यही सरकार जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो दलितों के बारे में ऐसा क्यों सोचने लगते हैं? आनंद मोहन को छोड़ने का काम करती है, कानून में बदलाव करके कहती है, जो कृष्णैया जैसे ऐसी समुदाय के आईएएस को हत्या का मारने का काम करते, तो आप तो मनोबल बढ़ा रहे हैं दबंगों का, सामंतों का, हम इन सब चीज़ों को नकाब करने के लिए। भीम संसद जो नाम आपने दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, उसके नाम पर हम विरोध दर्ज करना चाहते हैं, और उसी बहाने हम अपने बहुजन समाज को, शोषित वंचित समाज को ये बताना चाहते थे कि देखिए ये जो नाटक हो रहा है इसके छलावे में मत आइए, अपने अधिकारों के बारे में सचेत रहिए। आप कह रहे हैं बहुजन की बात कर रहे हैं, वही यही सरकार है जो कि बहुजन की राजनीति करने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया, आप 75% हो गया आरक्षण। स्वागत योग्य कदम है, साधुवाद है उनको, और लागू करें, हम इनका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, साथ ही साथ अपील भी करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में 17% मुसलमानों को वो टिकट दे और 20% आप SC ST को आप टिकट दे, हमें कोई आपत्ति नहीं, बल्कि हम तो ये कहेंगे ऐसी सरकार पूरे देश में बने जो 75% आरक्षण राजनीति और सरकारी कार्यों में दे दे, हमारा खुला समर्थन है। चलिए, तो हमारा खुला समर्थन है। हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर थे, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष। इनका कहना है कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया वो स्वागत योग्य है, पर भीम संसद का हम विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि 50,000 SC ST एट्रोसिटी का जो एक मामला पेंडिंग पड़ा हुआ उसके लेकर के कर रहे थे, और जो दलित अत्याचार बिहार में बढ़ रहा है उसको लेकर के कर रहे थे। पर सबसे खास बात यह है कि भीम संसद का विरोध आजाद समाज पार्टी भी कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी दोनों एक मंच पर आकर के इन सभी पार्टियों को धूल चटा सकती है? आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार इनके साथ। जय भीम, जय भारत।